तो अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ गब्बर पर्वत पे, और कुंभारे जैन मंदिर हम जाने वाले थे, पर क्या है गब्बर हमको चढ़ना है और उतरना है, और फिर वहाँ से हमको सुंडा माता भी जाना है, तो थोड़ा टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी आज के दिन के लिए, इसलिए मैं कुंभारिया जैन मंदिर जो है वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अगर आप आते हो तो कुंभारिया जैन मंदिर भी जाके आना, पूरा जैन तीर्थ है वहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ कैलाश टेकरी पे, मैं जा रहा था गब्बर की ओर, पर बीच में मुझे बोर्ड दिख गया कैलाश टेकरी का, क्योंकि मैं भूल ही गया था कैलाश टेकरी जाना है, पर एकदम से बोर्ड दिख गया और मैंने यहाँ गाड़ी टर्न ले ली है। ये काफ़ी हाइट पे है कैलाश टेकरी, ये काफ़ी हाइट पे है, यहाँ से नीचे से रोड आता है पूरा, और काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है गाड़ी के लिए भी, तो ये मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, और ये यहाँ से व्यू है यहाँ का। तो एकदम ठंडा है परिसर यहाँ का मंदिर का, वैसे भी मार्बल से बना हुआ है तो ठंडा ही रहेगा, पर ये आजू बाजू पेड़ भी बहुत है, हाइट पे भी है, इस वजह से यहाँ ठंडा है। और यहाँ मंगल्य वन भी है, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा अभी। ये है महादेव जी का मंदिर, ये शांतेश्वर महादेव, कैलाश भवन श्री शांतेश्वर महादेव है ये वाला, तो बहुत ही मस्त मंदिर है। यहाँ बैठने के लिए चारों तरफ सब बनाया हुआ है, आप बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो, साफ़ सुथरा है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पानी पीने के लिए पानी भी है। ये कैलाश टेकरी के ऊपर, और अंदर से पूरा कांच का बनाया हुआ है मंदिर, मैं दर्शन करके आपसे मिलता हूँ फिर। अब मैं आ गया हूँ मंगल्य वन में, जो मेन रोड से एक पतली सी गली से अंदर आना है, और रिलायंस पेट्रोलियम के आगे ही वो पतली गली पड़ती है, तो ये मंगल्य वन का गेट है, वहाँ पे एंट्री करनी है, नाम नंबर मोबाइल नंबर ऐसा लिखना होगा, पता नहीं, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। दैया जी ये यहाँ पूरा मैप दिखा हुआ है मंगल्य वन के बारे में, उद्घाटन किसने किया था, और मुख्य अतिथि भी लिखा हुआ है, देखो। यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है, और दूसरी जगह पे औषध के पेड़ भी है यहाँ पे। जैसे ही ऊपर आया यहाँ पे एक पेड़ दिखा, उसके आगे एक बोर्ड है और लिखा है श्री नरेंद्र भाई मोदी, और शायद ये हो सकता है कि ये पेड़ उन्होंने वृक्षारोपण में यहाँ पे किया होगा। और देखो यहाँ सब जगह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ उस टाइम के मंत्री रहे होंगे उनके नाम है। अब चलते हैं आगे, और यहाँ नेचर ट्रेल भी है, अभी चलते हैं नेचर ट्रेल, चिल्ड्रन प्ले एरिया,
ये पत्थर पान है, पथरी होती है तो उसमें ये आयुर्वेदिक के रूप में काम लगता है। ये एलोवेरा है, ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है। पुदीना, तो ऐसे सब औषधि यहाँ पे रखे हैं आयुर्वेदिक में जो काम आती हो। ठीक है, देखो अश्वगंधा, तुलसी, अजवाइन, तिलक तुलसी, और राम तुलसी। बस तो अभी हमें मंगलवन में, देखो यहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ सामने है कैलाश टेकरी, तो जहाँ मैं अभी जाके आया हूँ, और नीचे है चिल्ड्रंस प्ले एरिया, और हम ऊपर आके बैठे हैं। थोड़ी देर पब्लिक नहीं है ज़्यादा, तो आराम से बैठे और 10-15 मिनट रेस्ट करके यहाँ से निकलेंगे सीधा गब्बर की तरफ। कैलाश टेकरी में मंदिर आपको यहाँ से दिखाता हूँ, तो देख लो हम, तो दिख रहा है वो कैलाश टेकरी है, और नीचे पूरा ओम लिखा हुआ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। देखो बस अभी थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करके निकलते हैं यहाँ से, डायरेक्ट आपको मिलेंगे गब्बर के स्टैंड पे। तो दोस्तों अब हम मंगलवन से आ गए हैं, वापस जा रहे हैं शक्तिपीठ सर्कल की और यहाँ से राइट लेंगे तो आगे अंबाजी मंदिर आएगा बीच में, और आगे हमको गब्बर जाना है तो अंबाजी मंदिर होके गब्बर चले जाएंगे। गब्बर के लिए लेफ्ट लेना है, वो स्ट्रेट रास्ता जो जा रहा है वो जाएगा अब रोड की तरफ, बाद में हमको वहीं जाना है गब्बर उतर के। ये गब्बर गेट है, बस यहाँ पे गाड़ी लगा के हम जाएंगे पुरान कटोला रोड पे में। ये लगा दी हमने गाड़ी पार्किंग में, अभी हम आ गए गब्बर में और वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अभी मैं जाऊँगा रोड पे स्टैंड में, ठीक है, तो आगे सिंधा माता भी जाना है तो लेट हो जाएगा, इसलिए हम रोपवे में चढ़ेंगे और उसमें ही उतर जाएंगे अगर लाइन नहीं रही तो। यहाँ से जाना है और पैदल मार्ग आगे होगा। तो अभी मैं हूँ जा रहा हूँ उड़न खटोला अंबाजी में, मैं जा रहा हूँ रोपवे में ऊपर गब्बर माता जी के दर्शन करने। ठीक है, पे टिकट बुकिंग है और यहाँ टिकट के रेट लिखे हुए, देखो मैं टिकट ले लेता हूँ। ये रोके पास चढ़ने आ गया हूँ, चल जय माता जी। हम बैठ गए अभी रोपवे में, ऐसा नजारा है, सारे आबादी अच्छी बैठी है।
पावर स्टेशन है, वहाँ पूरा अंबाजी का सिटी है और आजू बाजू यहाँ भी पहाड़ ही है। और ये पहले जाने का मार्ग है, अभी दोपहर के 2 बजे है और गर्मी उतनी नहीं लग रही है क्योंकि ठंडी का सीजन है। रोप पे ऐसे उतर के अब मैं आ गया हूँ टॉप पे और जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने। और यहाँ पे शूज रखने की व्यवस्था है, सबको रखना है तो। और ये हम चल रहे हैं ऊपर अभी, यहाँ ऊपर भी कुछ शॉप्स है जहाँ आपको पूजा का सामान मिल जाएगा। कुछ स्टेप नीचे उतर के वापस ऊपर चढ़ना है। यहाँ माता जी की अखंड ज्योत है जो सालों से जल रही है यहाँ पे। ये गब्बर का मंदिर है ऊपर हिल का टॉप पे और यहाँ पे माता जी की अखंड ज्योत जल रही है। और ये पूरा ऐसा परिसर है तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे माता जी के हृदय का भाग गिरा था यहाँ पे, तो इस वजह से यही शक्तिपीठ बन गया। और यहाँ पे ही श्री कृष्ण भगवान का मुंडन भी हुआ था, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस जगह ही कृष्ण भगवान का मुंडन हुआ था, तो एक छोटा सा मंदिर बना है। ठीक है, यहाँ पे आपको गुजराती चनिया चोली में आपको पहन के फोटो खिंचवाना है तो आप यहाँ खिंचवा सकते हो। ये पूरा गब्बर मंदिर का परिसर है। अब हम निकल रहे हैं गब्बर से ऊपर से और ये रोपे का अपर स्टेशन है। तो पैदल जाने में ऐसा बोल रहे 15-20 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखाना है, देखो वहाँ बीच में अंबाजी मंदिर देखता होगा था। वो अंबाजी मंदिर है, देखो वो अंबाजी मंदिर है वहाँ पे। अपने को चढ़ना उतरना तो बहुत ही पसंद है, पैदल वो तो मैं आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसके लिए हम रोपे में आ गए वरना उतर जाएंगे फटाफट अभी। ठीक है, नजारा दिखाते दिखाते ये पत्थर का साइज देखो जरा, और इस पे पूरा रोप पे स्टैंड बनाया हुआ है। सीढ़ियाँ भी बहुत बड़ी है उतरने के मार्ग पे। यहाँ भी कटलरी शॉप है और यहाँ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। तो अभी मैं उतर रहा हूँ और हमने ले लिया है चना चोर गरम, तो खाते खाते जा रहे हैं और उतर जाएंगे हर रात के बीच में
दिखाने को तो अच्छे नज़ारे दिखा देंगे। जी यहाँ से ऐसा नज़ारा है, तो जी यहाँ पे उतरने के रास्ते पे ये 51 शक्तिपीठ दर्शन परिक्रमा का रास्ता यहाँ पे है। देखो ये ठीक है, ये नीचे से ऊपर आने का गेट है, ये प्रदक्षिणा मार्ग है और यहाँ पैदल ऊपर जाने का मार्ग है और यहाँ से आते हो तो ये रिटर्न ऊपर से पैदल उतरने का मार्ग है। तो अभी हम उतर चुके हैं नीचे और हमने आने जाने की दोनों टिकट ली थी पर हमको सिर्फ जाना था रोपवे में, आना था पैदल क्योंकि आने के टाइम तो ज़्यादा टाइम नहीं बिगड़ता है। ये पूरा गब्बर पर्वत है, रोपवे है और ये गब्बर पर्वत चढ़ने के लिए यहाँ पे गेट है। ठीक है, देख लो आप वापस से।